तत्सवितुर् वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्। तत्सवितुर् वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू एरा ग्लोबल स्कूल। दिस इज योर नेहा मैम एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। सो किड्स, now we are actually happy now that we have finished our syllabus, our revision set is going to finish, right? हमने पूरा year का syllabus complete कर लिया before time and with a very well mannered, right? ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमने skip किया या हड़बड़ी किया कुछ में, बहुत अच्छे से हमने revision किया, activity की, checking भी की, right? So I am feeling very happy कि मैंने syllabus पूरा किया और मेरे बच्चों, आई मीन यू किड्स आर ऑल्सो डन वेरी वेल, सब ने आई थिंक बुक कंप्लीट कर ली, रिविजन सीट भी कंप्लीट होने आई, सो वेरी नाइस। वी आर रियली प्राउड ऑफ आवर दिस स्कूल, दैट इज यस ऑफ कोर्स न्यू एरा ग्लोबल स्कूल, द बेस्ट स्कूल इन मोरबी, राइट? वी हैव गुड टीचर्स, वी हैव गुड स्टूडेंट्स, वी हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग, जिसमें हम बहुत इंजॉय करते हैं, राइट? आपको याद तो होगा आई थिंक, बिकॉज आप फर्स्ट में तो थे, हमने हॉर्स राइडिंग की, स्विमिंग पूल में स्विमिंग किया, देन एग्जीबिशंस किए, राइट? लास्ट ईयर हमारा एग्जीबिशन था, इट वॉज सुपर, बहुत सब बच्चों ने परफॉर्म किया अलग अलग ड्रामास में, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, वी इंजॉयड लॉट, राइट? या नाउ वी आर मिसिंग, आई नो, बट होप कि बहुत जल्दी हम यहाँ से ये लॉकडाउन, बड़े वाले लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे एंड वी विल बैक टू स्कूल अगेन विद द हैप्पी फेसेस, अगेन विद द फन एंड एंजॉयमेंट, राइट? सो चलो लेट्स गो टू आवर वर्क। यस, वी आर गोइंग टू डू रिविजन सीट ऑफ चैप्टर मनी एंड किड्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर रिविजन सीट ऑफ मनी विद अ शॉर्ट स्टोरी, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमारा आईबीएल कुछ नहीं था, है ना? तो आज हम एक छोटा सा स्टोरी स्टार्ट करेंगे एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपने क्या सीखा, राइट? मॉरल सबका अलग अलग होता है, राइट? आपने क्या उसमें से पिक किया, स्टोरी में से आपने क्या सीखा और आप कैसे उसमें काम करोगे, हाउ यू विल वर्क ऑन दैट, राइट? मॉरल तो हमें मिल जाता है, ये स्टोरी सुना है, दिस इज द मॉरल के डोंट डू बैड थिंग, डोंट डू, बट हाउ वी विल इम्प्लीमेंट इन आर लाइफ, उसको हम अपनी लाइफ में कैसे लाए, वो भी करना जरूरी है, राइट? तो आज हम आपको स्टोरी सुनाएंगे एंड यू हैव टू टेल मी हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट, जो मॉरल आपको मिलेगा स्टोरी से तब बताना मुझे, राइट? कि आप उसमें से क्या सीखे और आप अपनी लाइफ में उसे कैसे लाओगे, राइट? चलो मैं बता ही देती हूँ, द स्टोरी इज अबाउट सेविंग मनी एंड वैल्यू मनी, राइट? हम मनी की वैल्यू कब करते हैं, तो स्टोरी से आपको पता चलेगा कि वी शुड वैल्यू मनी, चाहे वो मनी पापा ला के देते हैं कमा के, या मम्मा ला के देती है, या एनी वन, राइट? अभी यू आर किड्स, सो यू डोंट नो हाउ टू अर्न मनी, तो आप पापा मम्मी घर पे कोई भी अर्न करता है, यू आर इन्वेस्टिंग दैट, आप वो खर्चा करते हो, यू आर स्पेंडिंग दैट मनी, राइट? आप वही खर्चा करते हो, तो आप उसमें कैसे इंप्लीमेंट लाओगे वो स्टोरी से, हाउ यू विल वैल्यू द मनी, यू हैव टू टेल मी, राइट? चलो, सो लेट्स टेक आउट रिविजन सीट फर्स्ट, और हम देखें कि हमने क्या किया लास्ट क्लास में,
So in our last class, we have started writing rupees and paise, right? And हमने what we have done? Write in words, rupees का words में लिखा, rupees को numbers में लिखा, okay? And this two was your homework and this was your homework to convert rupees in paise and paise in rupees. Hope you have done this work because it's very easy. You all are brilliant student, right? So आपको तो आता ही है. Yes, I am confident about all you all because I am seeing कि आप बहुत अच्छे से ध्यान से you are doing all these chapters and you are taking interest. Happy to see all this. So kids, आज हम we will do this one. This story sum करना है, right? तो आज की डेट है 25/1/21, right? Now, before starting, चलो हम स्टोरी करें एंड देन यू विल टेल मी, ओके? स्टोरी के बाद हम ये सम स्टार्ट करेंगे. इट्स वेरी इजी सम. ओके, सो ये स्टोरी है अबाउट मनी के बारे में ही है, राइट? बट दिस इज स्टोरी अबाउट अ बॉय. एक बॉय के बारे में स्टोरी है. सो सी, दिस इज अ बॉय एंड हिज फादर ही इज मेकिंग पनीर. पनीर जानते हो ना, वो पनीर बनाते हैं. वो रोज अपने पापा से पैसे लेते हैं और खर्चा करता है. सी, एवरीडे ही इज टेकिंग मनी फ्रॉम हिज फादर. हिज फादर इज टेलिंग कि बेटा ये पैसे कहाँ डालते हो आप. तो वो ही इज टेलिंग कि मैं, उसके पापा को समझाते हैं कि इतनी मेहनत से मैं पैसे कमाता हूँ एंड यू आर स्पेंडिंग ऑल मनी एवरीडे. सी, दूध इतनी मेहनत से करता है लेकिन ही इज टेलिंग कि पापा मुझे अभी एस करने दीजिए, आई वॉन्ट टू इंजॉय. पैसा कमाना कौन सी बड़ी बात है, राइट? सो ही इज डूइंग सी. हिज फादर फील्ड वेरी सैड कि ये मैं अपने बेटे को कैसे समझाऊं. ही इज थिंकिंग कि क्या करूं क्या करूं. सो हिज फादर टेल मी, ओके पैसा कमाना है तो यू विल गिव मी 1 rupees एवरी डे. आपको रोज मुझे 1 rupee लाके देना है. ये हैप्पीली क्या, 1 rupee क्या है, ठीक है लाके दे दूंगा. सी, वो आया, पापा ने बोला 1 rupee दो. अब उसके पास तो था नहीं. ही वेंट टू हिज ग्रैंड मदर. सी, ग्रैंड मदर हैज गिवन हिम रुपीज और उसने पापा को लाके दे दिया. एंड पापा ने क्या किया पता है, देखना. हिज फादर हैज टेकन द मनी और उसमें वो जो आग जल रहा था ना उसमें वो पैसा डाल दिया. सी, ये बोला अरे ये क्या किया पापा, आपने पैसे आग में डाल दिए. बोलता हाँ. तो वो बोला ओके करो. नेक्स्ट डे अगेन ही टोल्ड कि कल भी मुझे 1 rupee लाके देना. बोला ओके. वो उसके पैसा है, मैं जो भी करूं, मैं आग में डालू या कुछ भी करूं. उसने ही वॉज हैप्पी, चलो कोई बात नहीं. नेक्स्ट डे अगेन उसने अपनी मम्मी से मांगा, मम्मी ने पैसे दे दिए. पापा ने फिर वही किया, आग में डाल दिया. नाउ एवरी डे सी, कभी किसी फ्रेंड से कभी दूसरे फ्रेंड से, रोज पापा रोज उस पैसे को आग में डाल देते. फिर पापा भी सब फ्रेंड्स भी ने मना बोल दिया, रोज पैसे कौन देगा आपको 1 rupee. सी, नाउ ही इज फीलिंग सॉरी कि अब मैं क्या करूं, शाम होने आई है. इट्स हाउ आई विल गिव टू माई फादर 1 rupees. नाउ इज वेरी सैड. सो ही थिंक कि मुझे पापा को बोलना तो नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है. ही वेंट टू दिस सी दिख अंकल रिक्शो, ये रिक्शा जो चला रहे उनके पास वो गया. एंड ही टोल्ड दैट अंकल कैन यू गिव मी योर रिक्शा, तो मैं आपका रिक्शा चला दूंगा और आप मुझे उसके बदले 1 rupees देना. दैट अंकल वॉज वेरी टायर्ड. बोला हाँ हाँ मैं बहुत थक गया हूँ, ले जाओ. सी, ही वेंट, ये साइकिल चला चला के उसको ले जा रहा है. सी, नाउ उसके पैर दुखने लगे एंड पूरा पसीना पसीना. फिर उस आदमी ने उसको पैसे दिए, ही हैज रिटर्न एंड उसके बदले उसने क्या लिया, 1 rupee coin. नाउ ही वॉज हैप्पी, ही हैज गिवन 1 rupee coin टू हिज फादर. सी, जैसे पापा के लिए पापा डालने गए तो ही स्टॉप. फादर डोंट डू दैट, कि आज पापा पैसे उसमें मत डालो. बोले क्यों. देन ही टोल्ड कि आज तो मैंने बहुत मेहनत की,
माई लेग्स आर पेनिंग, आई एम स्वेटिंग, पूरा पसीना, मैंने देखो रिक्शा चलाया एंड आई वर्क हार्ड, पूरा रिक्शा को मैं लेके गया एंड देन आई गॉट द दिस 1 रुपी. हिज फादर वॉज वेरी हैप्पी. सी नाउ ही वैल्यूड द मनी, नाउ ही वैल्यूड द मनी, क्योंकि उसने अपने से कमाया, राइट. देन हिज फादर टोल्ड मी कि मैं भी इतनी मेहनत से रोज कमाता हूँ, ये दूध गर्म करता हूँ, फिर उसमें से पनीर बनाता हूँ, फिर मार्केट में बेचता हूँ, और आप ये पैसे अपने फ्रेंड्स के साथ पॉपकॉर्न्स में, कभी मूवीज जाते हो, कभी कुछ, तो मुझे कैसा लगता होगा. देन ही रियलाइज, ओके पापा. उसने पापा के पैर छुए एंड देन ही टोल्ड कि अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा एंड ही वैल्यू द मनी. सो दिस इज द नाउ ही वेंट हैप्पीली कि ना अब मुझे वैल्यू. सो नाउ ही लर्न कि नहीं पैसा क्या चीज है, राइट. उसको पैसा की इंपॉर्टेंस पता चले. 1 रुपया की कीमत देखा उसने, 1 रुपये की भी इतनी कीमत रखी. मतलब वैल्यू ऑफ मनी कितनी होती है, सी ही लर्न, राइट. सी ही हैज लर्न कि वैल्यू क्या होती है. अदरवाइज रोज अपने पापा से 100 रुपीज, कभी 200, और लेके ही इज गोइंग विथ हिज फ्रेंड्स वॉचिंग मूवी, बट वेन ही डू हार्ड वर्क एंड देन ही अर्न मनी. एक दिन तो पापा उसके फ्रेंड ने दे दिया, दादी ने दे दिया, देन मदर, उसके बाद रोज रोज तो आपको कोई देगा नहीं. देन ही वर्कड, जब उसने मेहनत की और जब उसको रियलाइज हुआ कि इतना पसीना बहा एंड ही वॉक सो मच, उसने इतना वॉकिंग किया, उसके पैर दुखने लगे, देन ही अर्न 1 रुपीज. तो मेरे पापा कितना मेहनत करते हैं, राइट. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी तो आपको समझ में आ ही गया कि वी शुड वैल्यू द मनी, चाहे वो पापा का हो, मम्मी का हो, फ्रेंड्स का हो, या किसी का भी हो. वी शुड ऑलवेज वैल्यू द मनी, राइट. हमें हमेशा वैल्यू करनी चाहिए मनी की, हमेशा, कोई भी पैसा हो. वी शुड नॉट वेस्ट मनी. मैंने बहुत बार देखा, यू नो समबडी यूज टू टेक कैंटीन फूड, फिर अच्छा नहीं लगा ये फेंक देते, वही बच्चा. वी शुड नॉट डू दैट ना. सो आपको मुझे यही बताना है कि हाउ यू विल वैल्यू द मनी, आप पैसों की वैल्यू कैसे करोगे, हाउ यू विल सेव मनी, कहाँ आप वेस्ट करते हो और अब नहीं करोगे, आपको मुझे ये बताना है, राइट. हाउ यू विल सेव मनी. आपने अभी तक सी समबडी इज यूज टू ईट एवरी डे समथिंग, रोज चॉकलेट्स खाते. सो कोई बोलेगा नहीं मैम, अब मैं चॉकलेट ओनली 1 डे में खाऊंगा, वीकली संडे या सैटरडे. दिस वे यू कैन वैल्यू द मनी कि रोज चॉकलेट खाने से अपने ही दांत खराब होंगे ना, और फिर वो डॉक्टर के पास जाएंगे, देन पे टू द डॉक्टर, देन मेडिसिन, और शरीर में प्रॉब्लम भी होगा, हेल्थ प्रॉब्लम भी होगी एंड पैसे भी खर्चे होंगे, राइट. दिस 2 थिंग्स हम सफर करेंगे. सो ये आपको बताना है, राइट. द सेकेंड थिंग, आपको सम गर्ल्स और सम बॉयज यूज टू प्ले विद द, कोई भी गेम्स मार्केट में आती है, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, फिर 2 दिन खेलेंगे और देन खेलना बंद. सो वहां पर स्टॉप करना है. एनीथिंग यू आई वॉन्ट दिस इम्प्लीमेंट ऑन योर रियल लाइफ, कि आप उसे कैसे इम्प्लीमेंट लाते हो, कि आप कैसे पैसे की वैल्यू करते हो. फादर इज गिविंग यू मनी तो आप उसको खर्च नहीं करके पिगी बैंक में डालते हो, एनीथिंग कुछ भी करते हो, तो यू विल टेल मी, राइट. चलो दिस वॉज द स्टोरी, और अब हम अपनी एक्सरसाइज में मूव करें. आई हैव 4 coins of 1 rupee. 4 coins of 1 rupee. हाउ मच इज इट इन पैसे. मेरे पास कितने हैं, यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन, राइट. आपको याद है ना, आई हैव 4 coins of 1 rupee. 1 rupee का 4 coins है और मुझे इसे पैसे में कन्वर्ट करने हैं, राइट. सो फर्स्ट यू विल राइट रुपीज 1 is equal to 100 paisa. नाउ 4 coins of 1 rupee, तो यहाँ कितने कॉइन्स है. सो rupees 4 is equal to 4 into 100 paise, that is 400 paise. So how much is it in paise? It is 400 paise. A simple thing you have to write, right?
Now, Venu has 1 rupee coin, 2 rupees. Venu has one rupee coins, two rupees coin. How many paisa does he have? Now, इसमें हम एक bar graph बनाते हैं, right? Drawing करते हैं, okay? See, 1 rupee का coin कितना है? चलो drawing बनाते हैं. ये रहा rupees one है. 1 rupee का coin one है. Two rupees coin. Now, you can do the plus sign और comma देके भी आप बना सकते हो. 2 rupees का coin कितना है? 2 rupees, right? How many paise does he have? तो सबसे पहले आपको इसको add करना है. 1 rupees coin है, 1 और 2 के 2 rupees, sorry, 2 rupees के 2 coins है. 2 rupees के 2 coins है. That means 2 plus 2, 4 and plus 1, that is equal to, you can put a plus sign, rupees 5. Now, they are asking how many paise does he have? So, Venu has, how many paise? Rupees 5. That is 5 into 100. That is 500 paise. Because हमने इसको पैसे में कन्वर्ट करने, तो rupees 5 का पैसे कितना होगा? 5 into 100. Because we already know rupees 1 is equal to 100 paisa. So rupees 5 is equal to 500 paisa. So you have to multiply 5 into. So Venu has rupees 5. कॉमा देखिए 5 into 100 पैसे, that is equal to 500 पैसे. So Venu has 500 पैसे. Simple, this way you have to do. So only this much for today, right? Just classwork, no homework. बस homework आपको story को, आपको क्या करना है? Yes, implement लेना है कि कैसे आप करोगे, right? Work on that. Okay, चलो, bye bye, see you soon.